तो वैसे आज मेरे बेटे का पीटीएम है। पिछले सैटरडे था। सूखी हुई लिपस्टिक लगाने के बाद कैसे ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है अजीब सा हो गया होठ। सो लास्ट सैटरडे मेरे बेटे का पीटीएम था, वो पोस्टपोन होके आज हुआ है। 8 मेरा टाइमिंग 10:30 का, लेकिन मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ 8:05 पे, ताकि फटाफट मैम से मिलके रिपोर्ट कार्ड ले लो। आज मेरे फादर इन लॉ की सर्जरी है, वो गिर गए थे। राजस्थान में रहते हैं मेरे इन लॉज, तो फादर इन लॉ गिर गए और बाइक उनके ऊपर गिर गई, तो हिप बोन डिसलोकेट हो गई, तो उसकी सर्जरी है। सो स्कूल से आके फटाफट मुझे थोड़ा सा घर का काम वाम करना है, क्योंकि पीछे तरन रहेगा घर पे, उसका लंच और सबका लंच बना के हॉस्पिटल लेके जाना है। मतलब दो लोग का लंच, मेरे देवर और मेरे मदर इन लॉ का, और फटाफट वहाँ जाना है। 10 to 1 सर्जरी है। तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा है कि थके तू लेट आना। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना लेके गरम गरम आ जाऊँगी 12:30 तक। सो अब बस स्कूल जाने की जल्दी हो रही है। हस्बैंड मेरे तसल्ली से सो रहे हैं, पता है रात को 11 बजे सोए थे, हम हॉस्पिटल उठ गए गया थे। हूं मैं। आप तो उड़ गए हो, लेकिन क्या कांड कर रहे हो आप? ये वही कांड है जो पिछली बार भी आपने सुना था। हम लोग कल हॉस्पिटल गए फादर इन लॉ से मिलने, वहाँ से मंदिर गए, घर आते आते 11 बज गए, और जब तक हम सोए तब तक 11:30 हो गई थी। और सुबह 5 बजे से कोई काम नहीं है, कोई टिफ़िन नहीं डालना है, क्योंकि मुझे तो अपना स्कूल और हॉस्पिटल का करना है। 5 बजे से हर आधे घंटे बाद सर का अलार्म बज रहा है, जिनको उठना ही नहीं है, जिनको पता है मैं उठूंगा ही नहीं, पर फिर लेट हो भी रहा हूँ अलार्म मैं, बजा रहे हैं। लेट हो रहा हूँ हाँ, मैं। आपकी कंप्लेन आई तो लेट हो जाओ, लेट हो जाओ, लेट हो जाओ। तो कल मंदिर में मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली, मुझे गुलाब के फूल मिले दो, तो मैंने यहाँ गुरु जी के चरणों में लगा दिए घर आके। और ये देखिए, ये मेरी प्यारा स्वरूप है गुरु जी का। मेरे जो नेबर्स थे पुराने, जहाँ हमारा घर था माविंग क्ले में, तो अनामिका भाभी के पास था ये वाला स्वरूप। उनके पास छोटा था, उन्हें भी मंदिर से ही मिला था, और मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी कितने सोने लगते हैं, मेरे को भी ये स्वरूप चाहिए। और कितने साल बाद आज उन्होंने खुद दिया, और इतना बड़ा स्वरूप दिया है। सो मैं यही बैग ले जाती हूँ, और मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट स्कूल के लिए, जाके आना, खाना बनाना है। ये है मेरी साथी मेरी एक्टिवा, जिसके साथ मैं हर जगह घूमने जाती हूँ। एनीवेज, अब स्कूल जाने के लिए भी यही सही है, गाड़ी हस्बैंड ले जाते हैं। रेडी हूँ मैं स्कूल के लिए निकलने के लिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।